हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमेश प्रताप सिंह और आज मैं आपको सिखाऊंगा एनालिसिस एंड ट्रांसक्यूलाइजर्स को हम कैसे लर्न करेंगे जो भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस मतलब दर्द निवारक, जो दर्द को कम करें या दर्द को ख़त्म करें। तो ये दो टाइप की होती हैं, सबसे पहला है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड नंबर सेकंड नॉन नारकोटिक्स एनालिसिस। तो हम पहले याद करेंगे नारकोटिक्स एनालिसिस कैसे याद करें, तो इसकी सिंपल ट्रिक है। देखो, सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देख लेंगे। इसके एग्जांपल है हेरोइन, कोडीन एंड मॉर्फिन। तो इसको हम सिंपल एक ही लाइन में याद कर लेंगे, नारद अनिल हेरोइन को मारो, नारद अनिल हेरोइन को मारो। नारद मतलब नारकोटिक्स, एनल अनिल मतलब एनालिसिस एंड हेरोइन हेरोइन और को से कोडीन याद रखेंगे और मारो मॉर्फिन, सिंपल। नंबर सेकंड है नॉन नारकोटिक्स एनालिसिस, मतलब ना आदत पड़ेगी ना ही नशा होगा। इसका सिंपल नॉन का मतलब होगा, नॉन नारकोटिक्स का मतलब यही होता है कि ना आदत पड़ेगी ना ही नशा होगा। तो ये क्या है, इसके एग्जांपल सबसे पहले इसके दो एग्जांपल दिए हैं सीआरटी में, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। तो सिंपल ट्रिक है इसकी, ना ना अन्ना ऐसा प्यार, इसको हम ऐसे याद रखें, ना ना अन्ना ऐसा प्यार, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो ये सिंपल ट्रिक हो गई। अब हम बात करते हैं प्रशांतक, इसको हिंदी में मतलब हिंदी में प्रशांतक कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसक्यूलाइजर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्रशांतक यानी कि ट्रांसक्यूलाइजर वे होते हैं जो रिड्यूस को हमारे कम करें, या एक्साइटमेंट है जो भी है, किसी की नई नई गर्लफ्रेंड बन जाती बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो ये सब कुछ कम करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। सॉरी ये फॉर फन, बट हम आपको याद करना सिखाएंगे जो जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। तो सबसे पहले हम एंटी डिप्रेशन दो दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, एप्रोनोजॉइड एंड फेनाइलजिन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि आंटी दीपा, एक आंटी हैं उनका नाम दीपा है, आंटी दीपा एंटी डिप्रेशन इतनी प्रभावित का मतलब है एप्रोनोजॉइड, इतनी प्रभावित हुई कि फाइन हो गई, फाइन मतलब फेनाइलजिन, ठीक। यही एनसीईआरटी में साफ तौर से दी हुई है। दूसरा बारबिट्यूरेट्स हमें याद करने हैं, तो इसके लिए हम कैसे, देखो सबसे पहले एग्जांपल जो दिए हुए हैं, ये क्या होता है, बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, बैरनोलन, सेकोनल, मेम्ब्यूटल एंड ल्यूमिनल, और रह गया एमाइटल। ये इतने बारबिट्यूरेट्स दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में, तो हम इनको कैसे लर्न करेंगे। तो सिंपल लाइन है, बहादुर अमित व वीर शेख के मेंबर्स लंबे हैं। जो बहादुर अमित और वीर से अपने ज़माने के कोई योद्धा रहे होंगे, बहुत बड़े राजा महाराजा वो भी हो सकते हैं, तो उनके ग्रुप में जो मेंबर हैं वो लंबे हैं, सिंपल। तो बहादुर से ब्रेव को, बहादुर को इंग्लिश में ब्रेव कहते हैं, तो ब्रेव से हम बारबिट्यूरेट्स याद करेंगे। बहादुर अमित से एमाइटल हो जाएगा, वीर से बेरोनल, शेख से सेकोनल, मेंबर से मेम्ब्यूटल, शायद एनसीईआरटी में नेम्ब्यूटल दिया हुआ है लेकिन कई बुक्स में मेम्ब्यूटल भी है, लंबे ल्यूमिनल हैं, ठीक, सिंपल। अब एक यहाँ पर जो कुछ दो एग्जांपल और दिए हुए थे स्लो ट्रांसक्यूलाइजर्स के, तो स्लो ट्रांसक्यूलाइजर्स के दो एग्जांपल क्लोरोडाई एजेप्टोक्साइड एंड मेप्रोबामेट हैं। तो इनको हम कैसे याद करते हैं कि तेरे मतलब ट्रांसक्यूलाइजर्स, स्लो तो नॉर्मल याद रखना ही पड़ेगा, तेरे किले में प्रभा, मेप्रभा मतलब मेप्रोबामेट, मैंने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रखने में कोई भी समस्या ना हो, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने उस हिसाब से वीडियो बनाई है, क्योंकि ये मेरी शायद सेकंड वीडियो होगी, तो अभी मुझे अनुभव और एक्सपीरियंस बहुत ही कम ही है। तो हमने ये कैसे सिलो ट्रांसक्यूलाइजर्स को कैसे याद रखा, तेरे किले में प्रभा, किले से क्लोरोडाई एजोप्टोक्साइड और मेप्रभा मतलब मेप्रोबामेट। अब एक यहाँ पर एग्जांपल और दिया हुआ है इक्वेनल, तो ये इसका फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है, फंक्शन क्या है इसका, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन है। तो डिप्रेशन इक्वल टू हाइपरटेंशन, जाहिर सी बात है डिप्रेशन हाइपरटेंशन के इक्वल होता है, तो इक्वल से हम इक्वेनल याद रख लेंगे, सिंपल। इसका फंक्शन भी हमें याद हो गया एनसीईआरटी में, यही फंक्शन गिवन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि इक्विनल का फंक्शन क्या है,
आप जाहिर सी बात है उसका टिक कर देंगे कि डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। और फिर एनसीईआरटी में ट्रांसक्विलाइजर्स के दो अदर एग्जांपल दिए हुए हैं, बेलियम एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन और बेलियम को हम याद कैसे करेंगे? सिंपल ट्रिक है इसकी, सारा तेरी बल्ले बल्ले। सारा कोई लड़की है, उसको कोई अवार्ड मिल गया, जाहिर सी बात है, तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई, वो फेमस हो गई भाई साहब, उसके पास मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, तो सारा तेरी तो बल्ले बल्ले। तो सारा से सेरोटोनिन, तेरी ट्रांसक्विलाइजर्स एंड बल्ले बल्ले से वेलियम। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो आगे, फिलहाल तो अभी दो ट्रिक्स मैंने दो चीज़ों की ट्रिक्स बनाई थी। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये पहुँचाएँ, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि ये याद करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है और कन्फ्यूजन रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचेगी तो उन लोगों कम से कम एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है इधर से, तो थोड़े थोड़ा करके मैं पूरे केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ की वीडियो बनानी सोच रहा हूँ। तो फिलहाल तो यही फर्स्ट वीडियो ऑफ केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।